कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत, तो अब उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश की जनता और चिकित्सक भड़के हुए हैं। लगातार लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इसके तहत ही हरिद्वार में भी भगत सिंह चौक से लेकर प्रेमनगर आश्रम तक मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की और सुरक्षा को लेकर डॉक्टर द्वारा केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी की गई। हरिद्वार से नवीश तोमर की रिपोर्ट। आज कलकत्ता में जो एक हमारी साथी है, जो एक जूनियर डॉक्टर है, उनके साथ बलात्कार, उनके हत्या जो जनमंदा से की गई है, उसके विरोध में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है और ये कैंडल मार्च उन्हीं के सपोर्ट में निकाला गया है, उनकी आत्मा को शांति के लिए निकाला गया है। हम इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि महिला चाहे किसी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के कार्य क्षेत्र में हो या किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, उसको प्रॉपर पुलिस सुरक्षा दी जाए, उनके लिए विशेष कानून बनाया जाए और उनको जो सजा दी जाए वो पब्लिश की जाए ताकि कोई दूसरा आदमी इस तरह की हरकत ना कर सके। इसी के लिए हमने आज ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए जो ये मतलब बच्ची के साथ ऐसा कार्य हुआ है और अब तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं, उसमें बिल्कुल घोर निंदा करते हैं हम इस चीज़ की और पूरी केमिस्ट्रेशन हमारी इसमें IMA के क्या हम पूरा अगर हमारा उसमें वो होगा नहीं होगा इसके अंदर कोई फैसला तो हम ऑल इंडिया बंद करेंगे। मतलब कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो अपने सबूत मिटाना चाहते हैं कि छोटे मोटे लोग उनका काम नहीं है। जिन लोगों जो ग्रो पूरा ये पूरा तो ये तो पूरा देखिए प्लैंड मर्डर था, इसमें ये नहीं है कि डॉक्टर का एक पर्टिकुलर रेप हुआ या असॉल्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लैंड थिंग ये न्यूज़पेपर में और सब में व्हाट्सएप में सब जगह वो हो रहा है कि एक दिन पहले उसकी कार डिस्ट्रॉय करी गई, प्री प्लान था, उसको सेमिनार रूम में बुलाया गया कि 36 बार ड्यूटी करने के बाद आप जाओ वहाँ पर आराम कर लो, उस पर अटैक किया गया।